वेलकम टू द फ्लैग इज अप। प्रीमियर लीग का एक और गेम वीक यहाँ पे ख़त्म हो गया और ये गेम वीक थोड़ा सा अपसेट्स लेके आया हमारे लिए। जी हाँ, बात करेंगे एस्टन विला वर्सेस ब्राइटन, जो कि पहला गेम था इस गेम वीक का, और अंत तक जाएंगे लिवरपूल वर्सेस टॉटनम में, जिसमें कि कुछ ऐसे कारनामे किए गए हैं कि बात करना तो बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एस्टन विला वर्सेस ब्राइटन। एस्टन विला वर्सेस ब्राइटन वाज अ गेम टू वॉच। आई मीन यार, आई डोंट नो कि किसी ने एक्सपेक्ट किया था, बट एस्टन विला थ्रैशिंग ब्राइटन 6-1, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज ब्राइटन वाज लुकिंग वेरी गुड दिस सीजन एंड देयर वर चांसेस दैट दे माइट क्रैक इनटू टॉप फोर, बिकॉज यूनाइटेड इज़ नॉट प्लेइंग गुड, चेल्सी इज़ नॉट प्लेइंग गुड, न्यूकासल इज़ गोइंग ऑन एंड ऑफ, सो देयर वॉज अ ग्रेट चांस कि शायद ब्राइटन वो क्रैक करता। बट विद दिस लॉस उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि दे आर जस्ट अ मिड टेबल टीम, दे कैन नॉट गो इन टू द टॉप फोर। दे माइट स्टिल क्रैक, बट लूजिंग टू एस्टन विला 6-1 डज मेक सम स्टेटमेंट आपके फुटबॉल कैपेबिलिटीज़ में, कि आप कितना फुटबॉल कितने अच्छे से खेल सकते हैं। नेक्स्ट अप इज़ लुटन टाउन वर्सेज एवर्टन। लुटन टाउन ने अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है प्रीमियर लीग के हिस्ट्री में, एंड किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था अगेन कि लुटन टाउन एवर्टन को हरा देगी। एवर्टन हमें सरप्राइज करती रहती है अपनी घटिया फुटबॉल से बहुत बार, बट स्टिल नो वन वॉज एक्सपेक्टिंग लुटन टाउन टू विन दिस सीजन एक भी गेम, जिस तरह की वो बहुत ही मतलब इनएक्सपीरियंसड और नई टीम है, कुछ भी आप कहें उसमें तो, बट स्टिल दे हैव फाउंड अ वे टू विन दिस गेम 2-1, एंड फाइनली दे हैव वॉट दे नीडिड, दे हैव अ विक्ट्री। मे बी दे डू सम अपसेट्स दिस सीजन, क्या पता क्या हो सकता है। तो दूसरा गेम भी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के साथ आया, एंड देन वी हैड यूनाइटेड वर्सेस क्रिस्टल पैलेस। भाई अभी परसों कैरबाओ कप में 3-0 से हराया था, 3-0 से हरा करके जो है यूनाइटेड ने क्रिस्टल पैलेस को एक बता दिया था कि भाई तैयार रहो एक और थ्रैशिंग के लिए, क्योंकि ओल्ड ट्रैफर्ड में तुम आ रहे हो, एंड इट वॉज समथिंग दैट नो वन वॉज एक्सपेक्टिंग कि ओल्ड ट्रैफर्ड में 3 दिन पहले क्रिस्टल पैलेस को हराने के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड क्रिस्टल पैलेस से 1-0 हार जाएगी। किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं इस सीज़न के स्टार्ट से ही बात करूँ, यूनाइटेड इज़ नॉट लुकिंग लाइक अ टीम, एंड आई डोंट थिंक दैट दे डिज़र्व टू विन दैट गेम, बिकॉज क्रिस्टल पैलेस प्लेड दैट गेम वेरी वेल। जहाँ पे भी उनको चांसेस मिले उन्होंने वहाँ पे उनको भुनने की कोशिश की। वहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड का आप कह लो तो बहुत ही लैगी थी टीम, बहुत ज़्यादा जो चांसेस बन भी रहे थे उनको वो मतलब लग नहीं रहा था कि फिनिश कर सकते हैं। इट वॉज़ अ चेल्सी प्रॉब्लम ऑल ओवर अगेन फॉर देम। रैशफर्ड इज़ लुकिंग वेरी बैड, रैशफर्ड इज़ लुकिंग वेरी बैड। गार्नाचो, हॉयलैंड ये लोग हैं, बट मतलब उतने इफेक्टिव नहीं लग रहे हैं भाई, उतने इफेक्टिव नहीं लग रहे हैं जितना इनका रोला था, एज सिंपल एज दैट मैं बोलूँगा कि इट्स नॉट लुकिंग लाइक कि हॉयलैंड कैन गिव यू 20 गोल्स अ सीजन। नहीं, वो नहीं लग रहा मुझे उस प्लेयर से। ब्रूनो तो अब रो भी नहीं रहा है यार पिच पे, ब्रूनो हैज स्टॉप्ड क्राइंग। तो तुम सोच सकते हो कैसेमिरो वही वो हीरोइक टचेस लेने की कोशिश करते हैं, लॉन्ग शॉट्स में से गोल निकालने की कोशिश करते हैं, वो चला जाता है कई बार, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन ऑलवेज। दैट द चांसेस ऑफ स्कोरिंग आउटसाइड ऑफ द पेनल्टी एरिया स्ट्रेट टू द गोल कीपर, वो कभी कभार ही होता है, वो हर बार नहीं होता। आई नो कैसेमिरो इज़ वेरी गुड एट दैट, ब्रूनो फर्नांडिस इज़ वेरी गुड एट दैट, बट दैट इज़ नॉट क्लिनिकल टीम डज। अ क्लिनिकल टीम मेक्स चांसेस, डज नॉट रिलाई ऑन स्कोरिंग ब्लाइंडर्स। सो ये जो भी है, बट ठीक है। उसके बाद ओनाना इज़ अ प्रॉब्लम। तुम लोग लास्ट ईयर कह रहे थे कि नहीं टेन हग इज़ द बेस्ट, आई डोंट थिंक टेन हग इज़ द बेस्ट, आई डोंट थिंक ओनाना इज़ द बेस्ट। ओनाना से नहीं सेव होता है, आई नो दैट गोल वॉज अनस्टॉपेबल, बट वो डर नहीं है उसका जो उसने सोचा था कि मैं बनाऊँगा, जो वो इंटर मिलान में कर रहा था कि एक रोला उसने रखा था अपना कि भाई मेरे आसपास मत आना, दैट इज़ नॉट देयर। ही लुक्स लाइक अ वेरी वीक शॉर्ट स्टॉपर, सो दैट सेज अ लॉट अबाउट यू यार। ढैया यूज टू मेक मिस्टेक्स, बट ही वॉज अ ग्रेट शॉर्ट स्टॉपर। ही वॉज नॉट समवन हु कैन हेल्प यू स्कोर गोल्स, बट ही कुड डिफेंड गोल्स लाइक एनी थिंग। ही वॉज ठीक है। यूनाइटेड फैंस बोलेंगे कि अरे तुम क्यों बोल रहे हो, तुम्हारी टीम नहीं है, बट आई फील वेरी बैड।
अबाउट देम बिकॉज विद चेल्सी वी एक्सेप्टेड लास्ट ईयर ओनली वी एक्सेप्टेड दैट द टीम इज गोइंग डाउन हिल, दिस इज नॉट द वे द टीम शुड गो. द प्रॉब्लम विद यूनाइटेड एंड यूनाइटेड फैंस इज दैट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट द टीम इज गोइंग डाउन हिल राइट नाउ एंड दैट इज वेरी डेंजरस फॉर अ टीम. क्योंकि तुम मान ही नहीं रहे हो कि तुम्हारी टीम खराब. चेल्सी का क्लियर है भाई, हम लोग जिस दिन हमारी टीम गू खेलना शुरू करती है ना, हम उसी दिन बोल देते हैं कि भाई ये टीम नहीं, ये जो मैनेजर है नहीं, इसको निकालो नया ले जाओ. सिंपल है भाई, टॉप सिक्स क्लब है, टॉप सिक्स की तरह खेलोगे तो ठीक है, नहीं तो बाहर जाओ, नया मैनेजर नई टीम. अभी रीबिल्ड है, हमारा पूरा ओनरशिप चेंज हुआ है, वी वेंट थ्रू अ लॉट, सो आई एम नॉट मेकिंग एक्सक्यूजेज, बट चेल्सी हैज़ अ रीज़न. चेल्सी कैन से कि हमारा ये प्रॉब्लम था. टेन हग कांट से एनीथिंग राइट नाउ फॉर यूनाइटेड बिकॉज ही कल तो आधी से ज़्यादा टीम उनकी खुद की साइनिंग्स खेली है यार, तो आई डोंट थिंक ही हैज़ एनीथिंग टू ब्लेम ऑन एनी सर्कमस्टांसिस. क्या होता तुम्हारा एंटनी अगर खेल रहा होता तब भी क्या हो जाता, एंटनी डजंट ब्रिंग एनीथिंग टू द टीम यार. सो इट्स लुकिंग वेरी वेरी बैड फॉर यूनाइटेड राइट नाउ. नेक्स्ट थिंग इज द मेजर, सिटी इज नॉट इनविंसिबल. क्योंकि जब सीज़न स्टार्ट हुआ था तो सब बोल रहे थे कि क्या ये सीज़न वो हो सकता है जिसमें सिटी एज एन इनविंसिबल टाइटल विनर निकल के आएगी, तो वो नहीं होने जा रहा है, दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर. एंड क्योंकि वुल्व्स ने कल 2-1 सिटी को हरा दिया है. आई मीन एक मैच ही आ रहा है उन्होंने, दे आर स्टिल द टेबल टॉपर्स, बट इट सेज अ लॉट दैट it's not invincible. It gives hope to other teams who are coming to Etihad and ya fir city unke paas khelne aa rahi hai, so it gives them a chance ki nahi yaar wolves hara sakti hai to hum bhi hara sakte hain, and then that makes the premier league very interesting. Mere hisab se to bahut hi acha game tha. I know Rodri is not there, De Bruyne is not there, but that's how it is. Sabhi teams ke player injured hote hain, and if you can win after that then only you are the strongest team, and city was not looking good yesterday and they had to face that. But enough about that, let's move on to the game, Liverpool versus Tottenham. ab bhai ye game se pehle jo thi sari games ho chuki thi saturday wali, aur ये वो गेम थी जिसमें लिवरपूल को पता था कि इफ़ दे विन दिस गेम दे आर गोइंग एट द टॉप ऑफ द टेबल, राइट? इट वाज क्लियर एंड दे स्टार्टेड वेरी वेल. लुइस डियाज ने एक गोल स्कोर किया एंड ऑन फील्ड रेफरी ने उसको ऑफसाइड बोल दिया. ऑब्वियसली ठीक है, नेकेड आई से नहीं भी पता चलता है के बाद. एंड देन द वीएआर केम इन टू पिक्चर, बट द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन वीएआर केम इन टू पिक्चर इट लुक्ड लाइक ही वॉज ऑन. Everyone was convinced that he might be on. अब ऐसी सिचुएशन में जब आप कन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं ऑन फील्ड रेफरी के, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले वो लाइन्स ड्रॉ करते हैं टू चेक, टू मेक इट कंक्लूसिव. उसके बाद भी अगर आपको डाउट रहता है तो फिर आप रेफरी को बोलते हैं कि आप जाके स्क्रीन पे देखिए. लेकिन ये भाई साहब ने डिसाइड किया कि हम बहन चो लाइन ही ड्रॉ नहीं करेंगे. मतलब बहुत सिंपल, अभी लाइन ड्रॉ करने में क्या चला जाता था तेरा, सबको दिख रहा था वहां पे कि यार बहुत क्लोज कॉल है, तू ड्रॉ कर लो. लेकिन नहीं, भाई साहब ने कहा हम लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे. एंड उसके बाद आई मीन ठीक है, जो रेड कार्ड थे वो होने चाहिए थे, बट यू आर बींग वेरी हार्श ऑन अ टीम. आपने पहले एक गलती कर दी है, उसके बाद आप उनको दो रेड कार्ड भी दे रहे हो भाई, मतलब तुम क्या खा के आए हो. एटलीस्ट यू मेड अ मिस्टेक इन डूइंग दैट ऑफ साइड, तो कम से कम उनको रेड कार्ड, जैसे दो रेड कार्ड एक मैच में. एंड लिवरपूल इज़ वेरी अनलकी इन दिस. ऑब्वियसली वो रूल बुक के हिसाब से रेड कार्ड्स हैं, बट इट्स वेरी अनलकी फॉर देम कि हर मैच में ही कोई ना कोई प्लेयर उनका रेड कार्ड ले जाता है यार. एंड विद दैट टू रेड कार्ड्स दे प्लेयर स्टिल डिफेंडेड वेरी वेरी वेल, दे वर लाइक प्लेइंग वेरी गुड लो ब्लॉक फुटबॉल. एंड टॉटनम दो विक्ट्री है तो है, एंड दे आर द ओनली टीम आफ्टर आर्सेनल इन दिस हु हैवंट लॉस्ट एनी गेम दिस सीजन. बट डूड, दिस इज़ वेरी वेरी रिडिकुलस. लिवरपूल फैंस के लिए बहुत मतलब आई सिंपथाइज विद देम, लाइक यार ये एक मैच ना टाइटल डिसाइड कर सकता है उनका. तो बाद में अपॉलोजी भी आ गया उनका, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है रेफरीज की, कि अरे ह्यूमन एरर. अरे ह्यूमन एरर नहीं भाई, बकचोदी थी, सिंपल बकचोदी थी.
ह्यूमन एरर तब होता है ना कि जब आपने अपने सारे ऑप्शंस चूज कर लिए और फिर आपने गलत डिसीजन बनाया हो, आपने ऑप्शन ही चूज नहीं किया, ये है प्योर बेवकूफ़ी। ठीक है, इसको ह्यूमन एरर का नाम तो तुम दो मत। जो भी है, नाउ लिवरपूल हैज लॉस्ट दिस गेम एंड नाउ दे हैड द चांस टू बी एट द टॉप ऑफ द टेबल एंड मैनचेस्टर सिटी कुड हैव बीन एट नंबर टू, बट बिकॉज फक ऑल वीआर असिस्टेंट डिसाइडेड नॉट टू ड्रॉ दोज लाइन्स एंड दे हैव टू सफर नाउ। दिस इज़ वेरी रिडिकुलस और ये बहुत प्रॉब्लम है जो प्रीमियर लीग के रेफरीज हैं उनके साथ आ रही है, एंड प्रीमियर लीग शुड लुक इन टू दिस। दे शुड आस्क द एसोसिएशन, द ऑर्गेनाइजेशन जो इनका है रेफरीज का, टू स्टेप अप टू ब्रिंग गुड टैलेंट इन टू द रेफरिंग एंड गेट दीज पीपल आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु आर इनकॉम्पिटेंट। ये जो वीआर कल था इसको तो भाई निकाल देना चाहिए सीधा जॉब से, इसको दोबारा कभी भी कोई जॉब नहीं देनी चाहिए फुटबॉल से एसोसिएटेड। आई थिंक आई जेन्युइनली थिंक दैट, बिकॉज ये पाप है भाई, सीधा सीधा पाप किया। सो विद दैट आई थिंक यही मैच में फिर टॉटनम जीत ही गया, तो कुछ ज़्यादा बोलने के लिए है नहीं। टॉटनम डिड नॉट प्ले वेरी गुड फुटबॉल बट इवेंचुअली दे वॉन द गेम एंड या दैट इज इट। चेल्सी डिड नॉट प्ले एनी गेम दिस वीक, मंडे नाइट को एक गेम है, लेट्स सी वो देखेंगे। बट ओवरऑल ब्राइटन को कैरबाओ कप में हराने के बाद दिस वीक वॉज लिटिल गुड, क्योंकि हमें चेल्सी को देखना भी नहीं पड़ा ज़्यादा, तो वीकेंड अच्छा निकला है। नाउ लेट्स सी हाउ इट गोज मंडे नाइट को क्या होता है। टिल देन इफ यू आर लाइकिंग द वीडियोज प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। कमेंट, आपको कुछ अगर अपना सजेशंस, आपको अपने कुछ ओपिनियंस देने हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियोस को हमारी, ताकि हमारी रीच जो है बढ़े, क्योंकि आई डोंट थिंक 323 पीपल आर इनफ फॉर अस। सो प्लीज़ 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 हेल्प अस ग्रो एंड या दैट्स इट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।